हाय, आज का टॉपिक है हमको मेंटर की जरूरत है क्या, एक कोच का जरूरत है क्या, डू आई रिक्वायर अ मेंटर और अ कोच इन माय लाइफ। बिना कोच का भी बिना मेंटर का भी मैं आज से कभी तक जी लिया और अभी तक चल रहा लाइफ जिंदगी चला रहा हूं मैं, तो किस लिए चाहिए। वेरी सिंपल, बचपन में हमको हमारे पापा मम्मी ने सिखाया, उसके बाद स्कूल में टीचर्स ने सिखाया क्या करना क्या नहीं करना, उसके बाद लेक्चर्स ने सिखाया क्या करना क्या नहीं करना, यस आगे उसके बाद आगे नौकरी मिलने के बाद कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में हमारा मेंटर बन गया, बट लाइफ एज अ होल में कोई मेंटर है क्या आपके पास, कोई कोच है क्या? तो क्या करते हैं हम, कुछ भी कोई प्रॉब्लम होगा लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज, कोई प्रॉब्लम है, किसके पास जाते हैं? दोस्त के पास जाते हैं, कोई रिलेटिव के पास जाते हैं। वो एक्सपर्ट है क्या? नहीं है। तो क्या होता है, उनका वो एडवाइस, उनकी तरफ से जो भी वो जानता है वो हमको एडवाइस देता है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, समटाइम्स इट मे वर्क, समटाइम्स काम नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, नुकसान किसका होता है, हमारे लिए होता है नुकसान। तो एक सेइंग भी है ना, ब्लाइंड फॉलोइंग अनदर ब्लाइंड, एक अंधे और एक अंधे के पीछे भाग रहा है। ओके, so problem is like, do you have a right mentor or a coach? If you don't have a right mentor or a coach, what happens? आपको जो goals, आपको जो success, जो आपको आसानी से पा सकते हैं, आप you delay it, you take a lot of time. In fact, a very simple example. All successful people have mentors. Example is Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar was a good batsman. बट उनके पास एक कोच था, कोच की जरूरत क्या था उनके लिए, वो एक्सपर्ट था, फिर भी उसके लिए कोच था। और एक बंदा रॉबर्ट कियोसाकी, उसका बुक आपने पढ़ा होगा, रिच डैड पुअर डैड, वो बोल रहा है कि बहुत सारे कोचेस हैं मेरे लिए, आई गॉट मोर एक्सपर्ट्स इन मी फॉर मी कोई मीन किसी किसी एरिया में आई अप्रोच दैट पर्टिकुलर एक्सपर्ट, एक फील्ड का एक्सपर्ट मैं उसको अप्रोच करता हूं। व्हाई डू दे लुक फॉर इट? अगर बिना एक्सपर्ट के क्या होगा, आई हैव टू ट्राई, आई हैव टू लर्न एवरीथिंग, देन उसको अप्लाई करना टाइम लग जाएगा। हमारे पास टाइम ज्यादा है क्या? और डू यू वांट टू सी सक्सेस एट अ फास्टर पेस और डू यू वांट टू सी सक्सेस एट अ वेरी स्लो? जब भी मिल जाएगा ठीक है, नहीं तो बहुत जल्दी चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। रैपिड मेंटर में हम क्या करते हैं, रैपिड मेंटर में हम 5 लेवल का प्रोग्राम रखे, या 5 लेवल ऑफ कोचिंग प्रोग्राम। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज कंप्लीटली ऑनलाइन, आप दुनिया में किसी भी कोने में रहिए, वी कैन डू इट ऑनलाइन थ्रू व्हाट्सएप कॉल, थ्रू इंटरनेट कॉल, इवन थ्रू नॉर्मल फोन्स हम करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पहली बात है कि ऐसे ऑलवेज कीप सेइंग दिस इज ऑल एनर्जी, हम एक एनर्जी बीइंग है, सो हमारा एनर्जी को चेंज करना है, सो जब तक हम हमारा एनर्जी को नहीं चेंज करेंगे, यू विल बी द सेम पोजिशन, यू विल बी द सेम प्लेस, एंड दैट्स माई एक्सपर्ट, आई एम एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया, आई एम अ माइंड पावर लाइफ कोच, आई एम अ बिजनेस कोच, आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। तो दिमाग का जो भी प्रॉब्लम्स है ना, व्हिच हैज बीन चेंजिंग यू, व्हिच हैज बीन बॉदरिंग यू, उसको हम कंप्लीटली रीप्रोग्राम करते हैं। ये 5 लेवल प्रोग्राम है। क्यों 5 लेवल प्रोग्राम है? जैसे मैं बोल रहा हूं पब्लिक को, 10 स्टैंडर्ड एक लेवल है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे 10 स्टैंडर्ड काफी है, बस उसके बाद मैं काम कर सकता हूं, उसके बाद और उसका कितना मिलेगा आपको 10 स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन के लिए, क्या काम मिलेगा? उतना ही मिलेगा आपको, है ना। 12 स्टैंडर्ड, सम पीपल गो टू द नेक्स्ट लेवल 12 स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में क्या है, यू गो टू बेटर रिकॉग्निशन, बेटर प्लेस। सम पीपल फिनिश अ डिग्री, डिग्री में क्या होता है, अगेन अनदर रिकॉग्निशन, सो यू हैव डिफरेंट लेवल पे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद डॉक्टरेट। सो वैसे रैपिड मेंटर में भी 5 लेवल प्रोग्राम है। अगेन हम फोर्स नहीं करते किसी को, मतलब आपको कंप्लीट करना करके कंपल्शन नहीं है, चॉइस इज योर्स, बिकॉज आई ऑलवेज कीप सेइंग लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। अगेन फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल थोड़ा easy hai, but third level onwards there is a commitment hai. Okay, it takes some time. Okay, because ye program only for serious people, not for everybody. Sabhi ke liye nahi hai program. Ek testimony bolna chahta hu, in fact main bar bar bolna bagar again I want to repeat it. Ek aurat mujhse program liya, wo jinhone complete kiya 5 level program complete kiya, wo ek blouse designer thi aur 10 saal se blouse designer, मैक्सिमम 30,000 रुपए देखा, वो भी पेपर में, उससे ज्यादा देखा भी नहीं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के, मोर देन 17 लाख का लोन, लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स,
तो मुझे कॉल किया, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है एंड आई वांट टू डू अ प्रोग्राम. सो फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया, उसके बाद सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, शी स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप. सो पहला मंथ मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, पहली मंथ आफ्टर 30 डेज, ओके, फर्स्ट टाइम मैं 50,000 रुपए देखा हूँ, ठीक है, एंड यू विल सी मोर. तीन महीने के बाद मुझे फोन करके बोल रहे कि मेरा इनकम अभी 1 लाख टच कर ले, मैंने बोला गुड बट यू विल सी मोर. लेकिन 10 महीने के बाद मुझे फोन करके बोल रहे कि मैं 2.5 लाख के ऊपर अर्न कर रहा हूँ, मैंने बोला यस यू विल सी मोर. एंड 18 मंथ्स के बाद बोले कि आई एम वर्किंग मोर देन 3.5 लाख्स. I said, you will see, still see more. In fact, on an average, she is making close to 3 lakh plus. 30,000 rupees kaha hai, or 3.5 lakhs kaha hai. More than 1000% growth. Agar wo lady mujhse program nahi liya hoga, to kahan pe rahegi wo? Same 30,000 rupees with all the family issues, with all the problems, 17 lakhs loan pe aaj clear ho gaya, and she's completely changed. Pura ki pura life change ho gaya, mera zindagi change ho gaya. Kyun? Because she was serious to make a difference in her life. As I keep saying, ये प्रोग्राम सभी के लिए नहीं है, दिस प्रोग्राम इज प्योरली फॉर पीपल हु आर सीरियस टू मेक अ डिफरेंस. अगर आप भी बोलते हैं कि यस मिस्टर स्टैनली, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं भी जिंदगी में बहुत कुछ पाने के लिए चाहता हूँ, मगर मैं नहीं मिल रहा, आई डोंट नो व्हाई आई एम गोइंग रॉन्ग, वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, मुझे पता नहीं है, बिकॉज़ एज एन एक्सपर्ट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है, दैट विल बी डन, एंड आपका कंप्लीटली रीप्रोग्राम करके हमको वी कैन डू इट, एंड दिस इज कंप्लीटली ऑनलाइन. ओके, उसके बाद हमारा माइंड पावर सीरीज देते हैं एंड आप सुन सकते हैं उसको. अगेन यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस. अगेन बोल रहा हूँ, जस्ट डोंट बिलीव इन लाइक दिस. मेरा वेबसाइट पे जाइए, मेरा टेस्टिमनीज देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको विश्वास है तो देन गिव मी अ कॉल. मेरा नंबर सर है, मेरा नंबर सर फ्लैश हो रहा है, प्लीज कॉल मी नंबर्स एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. अगेन अगर आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर मेरा फेसबुक लाइव पे रेगुलरली नहीं आना तो फेसबुक पे रेगुलरली आइए. अगेन ये वीडियोस बहुत लोगों को शेयर करना, ऐसे कीप सेइंग द मोर यू शेयर द मोर यू गेन. अगेन विल्फ्रेड स्टैनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम रैपिड माइंड पावर. बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.